हेलो दोस्तों, हरियाणा के 12वीं के बच्चों के लिए खुशखबरी। जी हाँ भाई, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में आप अपना रिजल्ट मात्र 2 सेकंड के अंदर किस प्रकार चेक कर सकते हो। साथ ही आपको बताएंगे हरियाणा 12वीं रिजल्ट कब आ रहा है। साथ ही आपको बताना चाहते हैं कल 10वीं का रिजल्ट, जो हरियाणा 10वीं का रिजल्ट है, वेबसाइट पर डल चुका है। तो भाइयों, हम आपको बताएंगे उस वेबसाइट का नाम, जिस वेबसाइट से आप मात्र 2 सेकंड के अंदर रिजल्ट डलते ही चेक कर पाओगे। तो भाइयों, वीडियो के जरिए आपको रिजल्ट चेक करके भी दिखाएंगे, तो वीडियो बिना काटे पूरा देखना। साथ ही भाई आपको बताना चाहते हैं हरियाणा के 12वीं का रिजल्ट 21 जुलाई को इसी वेबसाइट पर आ जाएगा। एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उसमें बताया गया है कि 21 जुलाई को हरियाणा 12th का रिजल्ट आ जाएगा। साथ ही भाइयों, अगर आप हमारे द्वारा रिजल्ट चेक करवाना चाहते हो, तुरंत वीडियो के नीचे अपना पूरा रोल नंबर कमेंट जरूर कर देना, ताकि जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आपका रिजल्ट चेक करके आपको बता देंगे। इसलिए भाइयों, तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर कमेंट कर देना। साथ ही भाइयों, वीडियो को इतना शेयर करें ताकि आपके यार दोस्त फैमिली मेंबर्स को इस रिजल्ट के बारे में पता चल जाए कि हरियाणा का रिजल्ट 21 जुलाई को आने जा रहा है। साथ ही वो अपना रिजल्ट मात्र 2 सेकंड के अंदर किस प्रकार चेक करें। तो भाई, वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलो भाई, स्टार्ट करते हैं, आपको रिजल्ट चेक करना बताते हैं। तो दोस्तों, रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये गूगल क्रोम, जो हर किसी के मोबाइल में मिल जाएगा, इस गूगल क्रोम को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम गूगल खोल लेते हैं, आपके सामने गूगल खुल चुका है। अब जो वेबसाइट हम टाइप करते हैं, आपको वही वेबसाइट टाइप करनी है। तो भाई देखना ध्यान से, BSEH.org.in। देखो भाई, ये वेबसाइट है BSEH.org.in, छोटी सी वेबसाइट है, आपको इस प्रकार टाइप कर देना। इसको हम कर देते हैं सर्च। तो भाई देखो, सर्च करते हैं भाई, देखो हरियाणा के जो रिजल्ट की वेबसाइट है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर वेबसाइट। अगर इस इंटर वेबसाइट पर करोगे तो हरियाणा की बोर्ड की जो पूरी मेन वेबसाइट खुल जाएगी। इधर दूसरा ऑप्शन है एग्जाम रिजल्ट, इस पर आपको सारे रिजल्ट दिखाई देंगे। और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा सेकेंडरी एजुकेशन, जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है, वो नीचे आपको लिंक दिखाई दे रहा है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ से 10वीं का रिजल्ट देख सकते हो। अपना रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर डालना होगा, और यहाँ पर ये कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कैप्चा कोड इसमें भर के इधर आप सर्च के ऑप्शन पर, सर्च रिजल्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे, आप 10वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हो। और 21 तारीख को इसी लिंक के नीचे, जो लिंक दिखाई दे रहा है आपको, इसी लिंक के नीचे सेकेंडरी की जगह 12th का रिजल्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जो आप 21 जुलाई को आप यहां से अपना रिजल्ट आराम से BSEH.org.in इस वेबसाइट से मात्र 2 सेकंड के अंदर चेक कर पाओगे। या फिर जैसे आप इस एग्जाम रिजल्ट के अंदर जाते हो तो यहां पर भाइयों, यहां पर भी रिजल्ट आ जाएगा। जो ये सेलेक्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट कोर्स, इसमें अभी तो 10वीं का ऑप्शन आ रहा है सेकेंडरी एग्जामिनेशन, इसमें बाद में 12th का ऑप्शन भी आ जाएगा जब आप सेकेंडरी कोर्स में सेलेक्ट करोगे। और नीचे अपने रोल नंबर भर के इधर सबमिट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप रिजल्ट देख पाओगे 12th का 21 जुलाई को। तो भाई, अब मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी से आप रिजल्ट मात्र 2 सेकंड के अंदर चेक कर पाओगे हमारी इस वेबसाइट से। तो दोस्तों, अब आप रिजल्ट चेक करना तो सीख ही गए होंगे। साथ ही भाई, अगर आप हमारे द्वारा रिजल्ट चेक करवाना चाहते हो, तुरंत वीडियो के नीचे अपना बिल्कुल सही रोल नंबर कमेंट कर देना, ताकि जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आपका रिजल्ट सबसे पहले चेक कर आपको बता देंगे। साथ ही भाई, वीडियो को शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, सभी जगह। जो भाई वीडियो को ज़्यादा शेयर करेगा उसका रिजल्ट हम सबसे पहले बताएंगे, इसलिए वीडियो को देखते ही फेसबुक, व्हाट्सअप, सभी जगह शेयर कर दें। तो भाई, वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।